रायबरेली जिले के कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में आज NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत पूरे देश में NSUI के पदाधिकारी विश्वविद्यालय कॉलेज आदि में जाकर छात्रों से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि योगी व मोदी सरकार में छात्रों का अहित किया गया है, रोजगार के नाम पर सिर्फ बेरोजगारी दी गई व शिक्षा कानून के नाम पर किस तरह का खेल खेला जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही दिसंबर माह में विधानसभा का घेराव करने का भी काम किया जाएगा। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा अनस रहमान प्रदेश अध्यक्ष NSUI ने। नमस्कार, मेरा नाम शौर्यवीर सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश सेंट्रल NSUI का प्रभारी हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से NSUI एक राष्ट्रीय महाअभियान जिसका नाम शिक्षा बचाओ देश बचाओ सेव एजुकेशन सेव नेशन, इस अभियान के तहत हम कैंपसों में विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ एक इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करेंगे जिसमें कुछ बिंदुओं को हमने रखा है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु है निजीकरण। निजीकरण में भी दो भाग हम मानते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार कोविड के दौरान लाई तो उस पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि वो कोविड के दौरान क्यों लाए जब सब कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हैं, तो क्या सरकार को भाजपा सरकार को ये लाजमी नहीं लगा कि हम सभी प्रधानाचार्यों से या शिक्षकों से या जो टीचर्स ऐसे जिनके साथ हमेशा एजुकेशन पॉलिसी बनाते हुए एक हेल्दी डिस्कशन होता था उस प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया गया और ऐसे समय पर एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जो एक उचित समय नहीं था क्योंकि उस समय सब अपने घरों पर थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई को और कॉलेजों को चलाया जा रहा था। तो इसके खिलाफ NSUI कॉलेज और कैंपसों में इसकी विचार की लड़ाई लड़ेगी कि ये विचार जो भाजपा ने शिक्षा नीति में लाया वो बड़ा गलत था। शिक्षा नीति को में निजीकरण को बढ़ावा दिया, जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई उसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया, उस बढ़ावे की वजह से आगे के रोज़गारों में अस्थिरता आएगी। पहले ही रोज़गारों का बुरा हाल है लेकिन अगर वो कुछ चंद हाथों में चली जाएगी तो और रोज़गार का बुरा हाल हो जाएगा। तो इसकी लड़ाई समर्थन क्या मिल रहा, कई गए होंगे अभी कई कॉलेज आपसे इसको हम 8 से 12 तारीख तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं देश में सभी जिलों में NSUI संगठन, हर जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, जैसे यहाँ पर हमारे अनस भाई हैं ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हर जिले में जाकर के अपने संगठनों के व्यक्तियों के साथ इसको हर कॉलेज यूनिट के माध्यम से हम लेकर जाएंगे। दो मुद्दे मैंने आपको बताए, एक निजीकरण एजुकेशन पॉलिसी में और निजीकरण शिक्षा के संस्थानों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो। तीसरा मुद्दा है एज रिलैक्सेशन का, बहुत से ऐसे परीक्षाएं हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन की मांग हो रही है, उसके प्रति NSUI कैंपस में हम जो पर्चा बांटेंगे इस मुद्दे को भी रखेंगे। चौथा बेरोज़गारी का मुद्दा, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, पूरे देश में है, तो इसको बेरोज़गारी के मुद्दे को अहम माना जाएगा। फेलोशिप और स्कॉलरशिप का मुद्दा, जिस प्रकार से बड़े बड़े वायदे योगी सरकार के शिक्षा मंत्री, जिस प्रकार से वो उनको कोई मिलना चाहे तो वो आज्ञा नहीं दे रहे हैं मिलने की, कोविड में हम प्रयास किया हमारे अध्यक्ष ने उनको मिलने के लिए लेकिन शिक्षा मंत्री ने साफ मना किया और हमारे ही छात्रों पर अपने निवास के आगे लाठियां बांध दी लखनऊ में, और हम सिर्फ उनको ये चाहते थे कि जो ज़बरदस्ती फीस ली जा रही है, जिस डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, क्या गाँव में रह रहा छात्र, क्या पंक्ति में खड़ा आखिरी छात्र डिजिटल इंडिया की सेवाएं ले पा रहा है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उस प्रश्न चिन्ह के लिए हमारा दायित्व बनता है क्योंकि हम छात्र संगठन हैं, छात्रों से डिस्कशन करें और इसका काम, ये आयुष हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, उनके हम ड्यूटी लगा करके उनके साथ चर्चा कर करके हर कॉलेज जो यहाँ पर है, चाहे वो पहली स्नातक हो, दूसरी स्नातक, तीसरी स्नातक, सबसे इस प्रकार से चर्चाएँ और छात्र संवाद हम लोग करेंगे। फेलोशिप, स्कॉलरशिप, बेरोज़गारी, निजीकरण, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों
मतलब प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ावा दिया गया, एज रिलैक्सेशन बहुत सी परीक्षाओं में, और परीक्षा घोटाला जिस प्रकार से आपने देखा उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार से जिन शिक्षकों के भर्ती घोटाले में एज और बहुत सी ऐसी परीक्षाएं जिसमें फीस करोड़ों ले ली और लेकिन एग्ज़ाम हो नहीं रहे, तो इस प्रकार की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो मुझे लगता है छात्रों के बीच में NSUI लेकर के जाएगी, जिसका नेतृत्व प्रियंका जी स्वयं खुद UP में कर रही हैं, और साथ के साथ जो प्रतिज्ञा यात्राएँ की हमारी प्रतिज्ञाएँ हैं उनको भी हम छात्रों के बीच में ले जाने का काम करेंगे। ये NSUI की एक सफल कोशिश हम इस अभियान के